हेलो फ्रेंड्स, पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दानेदार सूजी का हलवा, जो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये सूजी का दानेदार हलवा कैसा लगा। सूजी का दानेदार हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी लिए सूजी, ये 250 ग्राम सूजी है और बारीक वाली सूजी है। एक कटोरी लिए मैंने चीनी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर जितना मीठा खाना पसंद करो। ये नारियल लिया है, इसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। थोड़ा सा लिया है मैंने इलायची पाउडर, थोड़ी सी लिए मैंने बादाम, थोड़ा सा लिया है मैंने काजू और थोड़े से ही लिए मैंने किशमिश, और ये थोड़ा सा लिया है दूध, इसमें केसर डाला हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने देसी घी भी लिया है, इसको मैं बताना भूल गई थी। सबसे पहले हम सूजी को इसमें थोड़ा भूनेंगे, इसमें घी नहीं डालेंगे, सूजी को हम सूखा ही भूनना है। और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, स्लो या मीडियम फ्लेम पे, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारी सूजी है वो जलने लगेगी, थोड़ा सा इसको भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। इसको 5 मिनट हो गए, अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब इसमें डालना है घी, घी को गैस होने देना है अच्छे से। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें काजू और बादाम मेरे को डालने हैं और इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है। इस तरीके से हिलाते रहना है इसको। ये रोस्ट हो गए हैं, इनको बाहर निकाल लेती हूँ। अब सूजी डालनी है इसमें और सूजी को दोबारा से इसमें भूनना है घी में। गैस को स्लो फ्लेम पे रखना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम भूनते रहेंगे इसे, और इसी तरीके से हिलाते हुए चलाते हुए। सूजी का कलर चेंज हो गया है, अब गैस फ्लेम को कर देती हूँ बंद। यहाँ पे मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए, जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से नाप के मैंने 4 कटोरी पानी लिया है। इसमें ऐड करनी है चीनी और तो इसको मेल्ट करना है, इलायची पाउडर, इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये जो चीनी है इसमें मेल्ट ना हो जाए अच्छे से। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब मैंने दोबारा से इस पर सूजी रख दी है और इसको स्लो फ्लेम पे ही रखा हुआ है। अब इसमें ऐड करना है चीनी वाला पानी, इसको इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे कंटिन्यू। अब इसमें ऐड करना है दूध केसर वाला, इसको 5 मिनट हो गए और ये गाढ़ा भी हो गया है काफी। अब ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ इसमें, नारियल, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लूंगी। अच्छे से मिक्स करना है, हलवा बनके तैयार हो गया है। हलवा मेरा बनके हो गया तैयार। प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।